नौ दोस्तों डेट है आज की 15 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में आज देखो डिस्कशन थोड़ा लेट हो गया वैसे एक चीज़ आपको बताता हूँ काफ़ी समय से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कशन कैसे भी करके ना जल्दी कर दिया जाए और इसका मुझे बहुत गिल्ट आता है कि लेट डिस्कशन हो जाता है लेकिन ना पूरी तरह से असफल साबित हुआ हूँ मैं मतलब आपको भी पता है डिस्कशन लेट ही आता है कर नहीं पाया मैं मतलब बहुत ज़्यादा रात को जैसे देर हो जाती है काम करते करते वो शेड्यूल बन नहीं पाया जो मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ना सुबह आठ बजे सात बजे मतलब डिस्कशन जल्दी आना चाहिए आज से मतलब तीन चार साल पहले दो तीन साल पहले ना मैं उठा करता था जैसे तीन बजे चार बजे उस समय डिस्कशन सात बजे आठ बजे तक आ जाया करता था कुछ भी करके वो शेड्यूल मेरा बन ही नहीं पा रहा है और हमेशा मुझे यूं लगता है कि यार लेट हो गया लेट हो गया खैर कल से फिर से कोशिश करते हैं कि मतलब इंसान क्या कर सकता है कोशिश ही कर सकता है फिर से कोशिश करेंगे कि शेड्यूल कैसे ना कैसे करके चेंज किया जाए डिस्कशन जल्दी किया जाए इसमें देखो मेरा भी फायदा है मतलब आपका तो देखो डेफिनेटली है ही है मेरा भी फायदा है कि जल्दी मैं मैं दूसरे काम में लग जाऊं दूसरा कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है तो वो बना लूँ खैर आज कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं आज देखो तीन तो हम डिस्कस करेंगे एक सेम सेक्स मैरिज से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा है और आज ज़्यादा आर्टिकल्स वैसे है नहीं ये वेस्ट एशिया में चाइना ने सुलह करवाई सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया कि डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगी लेकिन इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट ये घटना है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी ले रही है इंडिया के लिए थोड़ा खतरा है चाइना की इंटरफेरेंस बढ़ रही है चाइना का दबदबा अलग अलग रीजन्स में बढ़ रहा है तो इंडिया के लिए जाहिर तौर पर खतरा है तो पहला सेम सेक्स मैरिज दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन से संबंधित इंडियन ओशन में कैसे इंडिया के पास एज है चाइना के कंपैरिजन में और तीसरा एक एथिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉरल एटीट्यूड से संबंधित मैंने आपको बताया था ना कि अब जब भी मौका मिलेगा आर्टिकल कम होंगे तो सिलेबस का एक टॉपिक हम निपटाएंगे ताकि धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा निपटता जाए अब ना एक फैक्ट है वुमेन से संबंधित कुछ भी आपको लिखना हो ना ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप फैक्ट्स के तौर पे अपने आंसर्स में या फिर ऐसे में शामिल कर सकते हो जो कितनी वुमेन कितनी महिलाएं सिविल सर्विसेज में हैं ये देखिए डेटा है 2021 का डेटा ये कहता है कि 11 परसेंट से भी कम महिलाएं आई हैं 2020 की बात करें तो 13 परसेंट के आसपास महिलाएं आई हैं दो में चौदह परसेंट सेक्रेटरीज जो हैं वो वुमेन हैं आज तक एक कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी महिला नहीं रही हैं ये बात तो मैंने उस वीडियो में भी बताई थी जो सुमित वाले चैनल पे बनी थी और आज के समय में सिर्फ तीन वुमेन चीफ सेक्रेटरीज हैं विभिन्न राज्यों में और यूटीज़ में आज तक कभी भी कोई भी महिला सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या फिर सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल नहीं रही हैं तो ये डेटा काफी ज्यादा चुकाने वाला है इसको आप शामिल कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित आपको कुछ लिखना हो तब अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन ओशन रीजन में चाइना के साथ कन्फ्रेंट्रेशन से संबंधित हैं कन्फ्रेंट्रेशन मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो इस इशू से संबंधित है आप जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो आप ना इस मैप को ध्यान से देखिए इंडियन ओशन रीजन में ना इंडिया के पास एक एज है चाइना के कंपैरिजन में क्योंकि ज्योग्राफी इंडिया की ऐसी है कि इंडिया इंडियन ओशन पर डायरेक्टली नजर रख सकता है हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इस वजह से इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है इंडियन ओशन रीजन में जो भी शिप्स जाते हैं ना उन पर इंडिया नज़र रख सकता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के थ्रू और इंडिया की जोग्राफी भी ऐसी है कि इंडिया से अगर विमान उड़ान भरते हैं या फिर शिप्स जाते हैं तो रिलेटिवली इनको ईजी रहता है जबकि चाइना के लिए मुश्किल है अब देखो चाइना के शिप्स हैं यहाँ से तेल लेके आते हैं वेस्ट एशिया से गुजरेंगे तो आखिरकार यहाँ से ना स्ट्रेट से और इंडिया के पास में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया चाहे तो इस पूरे एरिया को ना ब्लॉक कर सकता है मतलब चाइना के सिप्स जो वेस्ट एशिया से तेल लेकर आ रही हैं उनको रोक सकता है इंडिया यहां पर समझ गए तो इंडिया के पास एज है चाइना का कोई भी शिप जाता है इंडिया की ज्योग्राफी ऐसे है कि इंडिया के लैंड से ड्रोन वगैरह उड़ान भरें या फिर जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरें हेलीकॉप्टर उड़ान भरें वो पूरे इंडियन ओशन पर नज़र रख सकते हैं कब किसका सिप यहाँ से गुजर रहा है हालांकि चाइना की जो समरीन्स हैं वो बहुत घूमने लगी हैं अब इंडियन ओशन रीजन में उनको ऊपर से निगाह रखना मुश्किल होता है तो समरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इंडिया यूएस एस से कॉपरेट कर रहा है यू से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है अब बात देखो ये आती है ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं देखो राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, उनका एक प्रपोजल है प्रपोजल ये है अगर देखो एल पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी जैसे लद्दाख में इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं वहाँ पर अगर लड़ाई होती है ना तो ना चाइना के पास में एक एज है चाइना और इंडिया की मिलिट्री को आप आपस में कंपेयर करोगे तो जाहिर तौर पे चाइना की मिलिट्री इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है उनके पास टैंक्स वगैरह एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं चाइना खर्च भी ज़्यादा करता है अपनी मिलिट्री पर तो हमेशा ना इंडिया जब भी नेगोशिएट करता है ना चाइना के साथ में इस फियर के साथ ही नेगोशिएट करता है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है इसी सोच के साथ इसी डर के साथ हमेशा इंडिया चाइना के साथ डील करता है बट देखो इंडिया ने ना अपनी कभी इंडियन ओशन वाले कार्ड को इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना तो उनका ध्यान ना ज्यादा नेवी वगैरह पे रहता था आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी ट्रेवलर्स आए इंडिया में कभी वो ईस्ट कोस्ट पर आए कभी वो वेस्ट कोस्ट पर आए दूसरे देशों से यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर कोस्टल एरियाज में उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टाब्लिश की मतलब लैंड के रूट से तो बहुत कम ट्रेवलर्स आए और लड़ाइयाँ भी हुई जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान की नेवी यहाँ पर आ गई थी जापान की नेवी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था श्रीलंका के कोस्ट पर ब्रिटेन के सिप्स खड़े थे उन सिप्स को डुबा दिया था तो हमारे लीडर्स में ना हमेशा से ये डर था वलरेबिलिटी थी कि देखो सीज से थोड़ा बच के रहना है मतलब लीडर्स ने ना उस डायरेक्शन में नहीं सोचा कि आप एक बड़ी मेरी पावर बन सकते हो आपकी ज्योग्राफी इतनी स्ट्रोंग है मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो भी सिप्स गुजरते हैं मैं आपको यहां से मिटा के दिखाता हूं एक सेकेंड आप रुक जाइए हाँ अब ठीक है लीडर्स ने ना कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया की ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग है जो भी शिप्स जाते हैं यहां से खो जाते हैं लोकेशन का फायदा इंडिया उठा सकता है ऐसा सोचा नहीं तभी तो उन्होंने ना लैंड पे ज़्यादा फोकस किया लीडर्स को लगता था कि खतरा किससे है पाकिस्तान से है बाद में उन्हें रियलाइज हो गया चाइना से भी है लेकिन ना उन्होंने इस प्रकार से नहीं सोचा कि एल पर अगर चाइना के पास एज है तो इंडियन ओशन में इंडिया के पास एज है तो इंडियन ओशन में इंडिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए हालांकि देखो अब सरकार कर रही है अब ना हाल ही में क्या हुआ है सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम चुपचाप ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक होलिस्टिक नेवल बेस के रूप में डेवलप करेंगे ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 90 माइल्स की दूरी पे है बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट मतलब जहां से चाइना के शिप्स या फिर दूसरे देशों के शिप्स गुजरते हैं छोटा सा एरिया है इससे सिर्फ 90 माइल्स के एरिया पे है सॉरी डिस्टेंस पर है काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसको अब इंडिया चुपके चुपके धीरे धीरे एक बहुत बड़े नेवल बेस के रूप में डेवलप कर रहा है हालांकि ये सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है क्लैरिफाई सरकार करेगी भी नहीं क्योंकि देखो ये जो नेवल बेस जैसी चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल चुपके चुपके होती है कि दुश्मन देश को भी खबर ना लग पाए तो यह अखबारों में नहीं आती है तो राइटर कहते हैं ये क्लियर नहीं है कि इसको सिर्फ क्या सरकार रेकी वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करेगी इस नेवल बेस को कि यहाँ से हमारे हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट उड़ान भरें और आसपास की लोकेशन की खबर लेकर आएं या फिर इसको बहुत बड़े थिएटर कमांड के रूप में डेवलप करेगी थिएटर कमांड एक बहुत बड़ा एरिया होता है मतलब बहुत बड़ी फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड होती है जो मिलिट्री एसेट्स को मोबलाइज़ करती हैं और फ्यूचर में युद्ध हो जाए कैसे इस जगह को यूज़ किया जाएगा इसको बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थिएटर कमांड इस्टाब्लिश की जाती है राइटर ये कहते हैं देखो जो भी महान वॉरियर्स हुए हैं ना जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट नेपोलियन उन्होंने ना कभी ऐसी लोकेशन पे युद्ध नहीं लड़ा जो उनकी पसंद की ना हो मतलब समझ गए ये महान वॉरियर्स ऐसे थे इन्होंने ना वहां पे युद्ध लड़ा उस जगह पे जो उनके पसंद की थी क्योंकि एक एडवांटेज हासिल हो जाता है जैसे इंडियन ओशन में कल को इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हो जाता है तो यहाँ पे आसपास कैसी मेरी अवेयरनेस इंडिया के पास पूरी है क्योंकि तो ट्रेडिशनली इंडिया का ही यहाँ पे इस पूरे एरिया में डोमिनेंस रहा है तो इंडिया को इस पूरे एरिया की समझ है तो इस वजह से इंडिया के पास इंडियन ओशन में एडवांटेज है तो इंडिया को युद्ध लड़ना चाहिए ना तो यहाँ पर लड़ना चाहिए चाइना के साथ में चाइना का जो नियरेस्ट पोर्ट है ना यहां से मलक्का स्ट्रेट से वो 1500 माइल्स की दूरी पर है और इंडिया की मान लीजिए लड़ाई हो गई एल पर चाइना के साथ में तो चाइना भी अपनी ऑयल सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट है चाइना के जो सिप्स हैं वो यहां से गुजरेंगे और इंडिया उनको रोक सकता है जैसे देखो फिर से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं यहां से सिप गुजरेंगे यहां पर इंडिया ने रोक दिया सिप्स को तो फिर चाइना कुछ अपनी टास्क फोर्स भेजेगा मिलिट्री शिप्स भेजेगा जो भी भेजेगा चाइना पता लगा के आओ कि क्या दिक्कत है कहाँ पे ये सिप्स रुके हुए हैं आप बोलोगे सर ये बातें तो वैसे भी फ़ोन पे पता लग जाती हैं हाँ वो सब ठीक है मतलब छुड़वाने आएंगे सीधा सीधा बोलें कि चाइना की तरफ से कोई मिलिट्री शिप आएगा छुड़वाने के लिए तो फिर ना एक प्रकार से ना वो ट्रैप होगा और उन सिप्स को इंडिया फिर होस्टेज बना सकता है या फिर उनको टारगेट कर सकता है एल पर जो कुछ हुआ है नॉर्थ इंडिया में उसको जवाब देने के लिए उसका रिटालिएट करने के लिए तो ये स्ट्रेटजी राइटर बताते हैं स्ट्रेटेजी तो क्या है सबको पता है मतलब कहने का ये है कि जैसे देखो इंडिया हमेशा एक फियर से ऑपरेट करता है ना चाइना के साथ जब भी डील करता है तो इंडिया को ना अपनी इंडियन ओशन की ताकत चाइना को रियलाइज करवानी चाहिए चाइना को भी पता लगे कि इंडियन ओशन में चाइना के साथ इंडियन ओशन में इंडिया के साथ नहीं लड़ना है इंडिया के पास एज है ये रियलाइजेशन चाइना को करवाना जरूरी है देखो वैसे क्वेड का भी एक एग्रीमेंट है क्वेड में चार देश आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस इनका आपस में एग्रीमेंट है इंटेलिजेंस शेयरिंग का दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने का तो जैसे देखो पैसिफिक ओशन है पैसिफिक ओशन में ये सारे सीज भी आते हैं साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी यहाँ से कोई चाइना का सिप आएगा वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी इंडिया के साथ में तो चार देश आपस में जब इंटेलिजेंस शेयर करेंगे ना तो इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रोंग शेयर होगी इंडिया के साथ में ये भी एज है इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कन्फ्रेंट्रेशन होती है चाइना के साथ में तो इंडिया के पास में क्या एडवांटेज हैं अब चलते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेम सेक्स मैरिज से संबंधित है आप जीएस पेपर वन के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो सेम सेक्स मैरिज का मतलब है लड़के और लड़के के बीच में शादी या फिर लड़की और लड़की के बीच में शादी पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं अभी क्या हुआ है फिर एक पुराने आर्टिकल की सहायता से भी हम समझेंगे डिटेल से इस पूरे इशू को कंटेस्ट अभी ये हैं देखो सेम सेक्स मैरिज अभी अलाउड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा था कि अलाउ कर दिया जाए सेम सेक्स मैरिज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया था कि नहीं किया जाए इससे समाज की जो वैल्यूज हैं वो खराब हो जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला सेंड किया है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में मतलब सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बेंच अब ये डिसाइड करेगी कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए तो ये पूरा इशू हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं देखो पहले बेसिक्स की बात करते हैं हमारे देश में सेम सेक्स के कपल अगर आपस में शादी करता है ना फॉर एग्जाम्पल एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर लेती है तो उस शादी को कानून मान्यता नहीं देता है समझ गए शादी वो बेशक कर लें लेकिन कानून की नजर में उसे शादी नहीं माना जाएगा ऐसी सिचुएशन में वो कपल सेम सेक्स कपल्स काफी सारे अधिकारों से ना वंचित हो जाते हैं जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं ये सारे वो अधिकार हैं जिससे सेम सेक्स के कपल वंचित रह जाते हैं जैसे गवर्नमेंट की पेंशन या फिर मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते जैसे मेटरनल बेनिफिट एक्ट नहीं होता उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता पार्टनर के लिए राइट टू प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं मिलता उसके बाद बच्चे को गोद लेना हो तो ज्वाइंटली एडोप्ट नहीं कर पाते वो और तलाक होने की सूरत में जैसे मेंटेनेंस जो दिया जाता है ना उसका अधिकार भी उनका खत्म हो जाता है सबसे लास्ट में राइट टू टेक इमरजेंसी मेडिकल डिसीजन सारे के सारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं सेम सेक्स कपल्स सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये है देखो इससे ना पर्सनल लाज का पूरा जो ताना बाना है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स कपल्स की शादी को लीगलाइज करते हैं तो जैसे देखो वो कपल्स जो अपने अपने धर्म के पर्सनल लाज में शादी नहीं कर पाते ना जैसे हिंदू मैरिज एक एक्ट 1954 मुस्लिम मैरिज एक्ट उनमें वो शादी नहीं कर पाते ना तो वो शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में तो इजाजत चाहते हैं सेम सेक्स के कपल्स की हमें भी इजाजत दी जाए हम भी शादी कर सकें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अब देखो यहां पर भी दिखते हैं पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अगेंस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो भी आपका स्टैंड है वो आप लिखित में दीजिए कब 15 फरवरी से पहले उसके बाद 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर अपना वर्डिक दे देगा अब देखो ना काफी सारी डायमेंशन है इस पूरे इश्यू में आर्ट, र, आ, राइटर तो ये कहते हैं देखो ऑलरेडी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजमेंट्स आए हैं जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं देखो बहुत कुछ आना बाकी है अब एक जजमेंट आया 2017 में पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी से संबंधित उसके बाद 2018 में नवतेज जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अब क्रिमिलाइज नहीं होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए यानी होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिलाई कर दिया पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट देखो ये है कि हमारी जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा रही है ना ये काफी सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है जैसे सबसे पहले आर्टिकल नंबर फोर्टीन राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट है आर्टिकल नंबर नाइनटीन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट है इसके साथ साथ पिटिशनर ने यह भी आर्ग्यूमेंट दिया Nations, Human का जो चार्टर है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इसमें अब इंडिया देखो इसका सिग्नेटरी है ये जो 1948 का ह्यूमन राइट्स का है इस डेक्लेरेशन का भी आर्टिकल जो 16 है ना वो ये कहता है मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस नेशनैलिटी और रिलीजन है राइट टू मैरी एंड टू फाउंड टू फाउंड ए फैमिली तो इस डेक्लेन का आर्टिकल नंबर सिक्सटीन है ये उसको भी वायलेट करता है सरकार के द्वारा यह कहना कि सेम सेक्स कपल जो हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते समझ गए अब देखो राइटर ना एक डायमेंशन और डालते हैं मान लीजी। मान लीजिए लीजिए सेम सेक्स कपल्स को इजाजत मिल भी जाती है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी कर लीजिए तो भी एक दिक्कत है दिक्कत क्या है जैसे देखो आप अक्सर यह चीज देखते हो कि एक अलग अलग धर्मों के जो कपल हैं आपस में शादी कर लेते हैं लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हैं अब दिक्कत यह होती है कि जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं ना तो रूल ये है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनको बोलेगा कि मैं आपकी एप्लीकेशन लेता हूं तो ना वो उस चीज को कि पब्लिसाइज कर देते हैं कि ये कपल शादी करना चाहता है किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा सकता है 30 दिन का टाइम देना होता है जैसे आज 10 जनवरी है आज कोई कपल आया शादी की फरियाद लेके कि हम शादी करना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पहले उस एप्लीकेशन को ना पब्लिसाइज कर देगा कि ये लोग ये लड़का, ये लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं किसको दिक्कत है तो वो अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है तीस दिनों तक अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तब जाके फिर उनकी शादी होती है लेकिन देखो इसी बीच कुछ लोग जैसे विरोध करने लगते हैं अलग अलग धर्मों के वो कहते हैं कि नहीं शादी नहीं होने देंगे तो राइटर ये कहना चाहते हैं जब देखो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है तब भी बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है तो सेम सेक्स कपल्स को अगर इजाजत दी जाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में तब भी यह दिक्कत उनको आएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेगा कि ये कपल्स सेम सेक्स के हैं शादी करना चाहते हैं किसको ऑब्जेक्शन है तो आ जाए तब तक तो देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी हम ये शादी नहीं होने देंगे रुकावट आ जाएगी शादी में तो मतलब ये जो प्रोविजन है ना इसको भी हटाया जाए कि तीस दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फरियाद देनी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तब जाके शादी होगी समझ गए अब देखो एक और डायमेंशन है यहां पर डायमेंशन यह है के एस पुटास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट right कहा था अब जो सेम सेक्स कपल हैं अब शादी करना चाहते हैं अगर उनको इजाजत मिल गई स्पेशल मैरिज एक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा उनको कि आप फरियाद लेके आइए मैं उसको पब्लिसाइज करूंगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे ही वो पब्लिसाइज करेगा ये तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया ना प्राइवेसी तो खत्म हो गई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने सबको बता दिया कि ये सेम सेक्स के हैं शादी करना चाहते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है जो कि अब एक फंडामेंटल राइट right है समझ गए अब देखो एक पॉइंट ये आता है वैसे तो ना हाई कोर्ट ने 2021 में एक अच्छा जजमेंट दिया था हाई कोर्ट ने 2021 में बोला था कि वो लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं ना वो ये बात चूज कर सकते हैं कि उनकी यूनियन को उनकी शादी को पब्लिसाइज ना किया जाए लेकिन देखो यह अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था तो पिटिशनर जो है ना अब वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना कॉन्क्रीट जजमेंट दे इस इश्यू पर और वो एक कानून की शक्ल ले ले ताकि भारत के किसी भी हिस्से में सेम सेक्स कपल अगर शादी करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार से बिहेवियर उनके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट ना हो कि शादी पब्लिसाइज हो जाए उनको गलत मतलब उनको अच्छा फील ना हो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए समझ गए लास्ट में में कंक्लूजन ये कहा जाता है अगर देखो इंडिया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देता है ना तो इंडिया उन तीस देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर अभी तक सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है और एशिया में इंडिया दूसरे नंबर का देश होगा एशिया में देखो अभी तक सिर्फ ताइवान ऐसा देश है जहां पर सेक्स मैरिज को लीगलाइज करार दिया गया है तो इंडिया ताइवान के बाद पहला ऐसा देश होगा जहां पर सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाएगा तो एशिया में इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल होगा जहां पे सेम सेक्स कपल्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है तो इस प्रकार से देखो हमने इशू रिवाइज कर लिया अब आज के आर्टिकल में क्या कुछ नया आया है वो मैं आपको बताता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड देखो साफ है जैसे रिविजन वाले आर्टिकल के स्टार्टिंग में भी बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि देखो इससे ना समाज की वैल्यूज डिग्रेड हो जाएंगी कल्चरल वैल्यूज का नाश होगा रिलीजियस नॉर्म्स का नाश होगा इन वैल्यूज को बचाने के लिए सेम सेक्स मैरिज को हमें लीगलाइज नहीं करना चाहिए जबकि देखो बाकी पॉइंट्स तो सेम हैं आर्टिकल में जो सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में दिए जाते हैं बट एक चीज यहां पे और भी है सुप्रीम कोर्ट अगर देखो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है ना तो एक बार फिर से ये वही बात हो जाएगी जैसे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और बोला गया कि यह जुडिशियल एक्टिविज्म है सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो एक बार फिर से ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाला एग्जाम्पल होगा जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं इसे ओवर बोलिए मतलब देखो जुडिशल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें लाइन ना बहुत थिन है दोनों का दोनों में एक चीज कॉमन है कि जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है जुडिशरी का काम होता है वडिक देना एजुडिकेट करना जब जुडिशरी कानून बनाना स्टार्ट कर दे तो यह मतलब होता है कि जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है तो दोनों चीज दोनों जुडिशियल ओवररीच में और जुडिशियल एक्टिविज्म में दोनों चीज कॉमन है कि जुडिशरी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है लेकिन मान लीजिए जुडिशरी ने जो काम किया ला मान लीजिए बना दिया अगर वो पॉपुलर है तो इसे बोल दिया जाएगा कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है अगर वो पॉपुलर नहीं है तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बोल दिया जाता है कि ये ओवर है सिर्फ इतना मतलब है कि जनता उसे कैसे लेती है तो अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कानून बनाती है ना सेम सेक्स मैरिज के ऊपर तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट तो होगा लेकिन हिंदू का तो यह मानना है यह समय की आवश्यकता है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस वाला डिस्कस करेंगे एथिक्स का मोरल एटीट्यूड से संबंधित मोरल एटीट्यूड एथिक्स का एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा तो मोरल एटीट्यूड को डिस्कस करने से पहले आप मुझे मोरलिटी का मतलब बता दीजिए मोरलिटी से आप क्या समझते हो मोरलिटी मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर आप सही और गलत की पहचान करते हो मतलब ये आइडेंटिफाई करते हो क्या सही है क्या गलत है मॉरल स्टैंडर्ड्स देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट किसी के लिए मॉरल है और किसी दूसरे पर्सन के लिए कैपिटल पनिशमेंट इमोरल है मतलब किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है उसी प्रकार से यूथनेशियाम यूथनेशिया में क्या होता है मान लीजिए कोई पर्सन कोमा में है और ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा कम है तो फिर रिसोर्स को सेव करने के लिए इंजेक्शन देखें पीसफुली डेथ दे दी जाती है उस पेशेंट को यह मतलब होता है यूथनेशिया काम अब यूथनेशिया देखो किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है किसी के लिए ये मॉरली राइट right है किसी के लिए मॉरली रोंग है समझ गए तो मॉरल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं तो मॉरलिटी के बारे में समझने के बाद अब हम बात करते हैं मॉरल एटीट्यूड की देखो मॉरल एटीट्यूड का सिंपल मतलब है एटीट्यूड टूवर्ड्स मोरलिटी मॉरल एटीट्यूड्स देखो वो एटीट्यूड होते हैं जो कि हमारी मॉरल कन्विक्सन्स पर आधारित होते हैं आपका मॉरल एटीट्यूड क्या है इससे यह पता लग जाता है आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं मान लीजिए आपका जो मॉरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन के अगेंस्ट है न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन समझते हो ना न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना जैसे ईरान न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहता है बट आपका जो मॉरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन के अगेंस्ट है मतलब आपके अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना ये गलत है तो आपका मॉरल एटीट्यूड न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन के अगेंस्ट था तो मतलब पता लग गया कि आपके हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने चाहिए या फिर नहीं हासिल करने चाहिए उसी प्रकार से अगर आपका मॉरल एटीट्यूड कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है तो इसका मतलब यह है आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना गलत है और अगर आपका जो मॉरल एटीट्यूड है वो कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में है तो इसका मतलब आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना सही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो मतलब आपका मॉरल एटीट्यूड क्या है इससे पता लग जाता है कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है जैसा हमने पहले डिस्कस किया मोरालिटी देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है उसी प्रकार से मॉरल एटीट्यूड जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है किसी इंडिविजुअल का मॉरल एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल का मॉरल एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति देखो एक बात यहां पे आप ध्यान में रखिएगा मॉरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि न्यूट्रल कंसेप्ट क्या है देखो आपको जलेबी पसंद है आपको गुलाब जामुन पसंद है आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है जलेबी के प्रति तो इसमें सही और गलत की बात इन्वॉल्व नहीं है ना ठीक है भाई आपको जलेबी पसंद है खाओ आप रबड़ी में डाल के खाओ जैसा मर्जी खाना चाहो आप खाओ लेकिन किसी इंडिविजुअल को रबड़ी पसंद है गुलाब जामुन पसंद है इससे सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है बट कैपिटल पनिशमेंट का जो इशू है न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन का जो इशू है ये ऐसे इशूज हैं जिनसे सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है इन में सही और गलत की बात इन्वॉल्व होती है समझ गए हाँ, एक और बात आपको बोलूं बीफ खाना बीफ नहीं खाना नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर नहीं खाना इसमें सही और गलत इन्वॉल्व है समझ गए कुछ लोगों के लिए बीफ खाना उचित हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए खास करके हिंदू धर्म के लोगों के लिए बीफ खाना मतलब धर्म के खिलाफ है बहुत ज्यादा तो बीफ के इशू पर हमेशा से रहा है। मतलब इवन आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो भी आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि ब्रिटिश ईरा में भी दंगे हो जाया करते थे बीफ के इश्यू को लेके तो कहने का मतलब देखो ये है मॉरल एटीट्यूड में सही और गलत क्या है आपके अनुसार ये चीज इन्वॉल्व होती है अगर किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके टारगेट ऑब्जेक्ट जैसा आपको पता है कुछ भी हो सकता है इवेंट हो सकता है प्लेस हो सकता है पर्सन हो सकता है अगर किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके आपका जो एटीट्यूड है उसमें सही और गलत कुछ इन्वॉल्व नहीं है जैसे आपको शाहरुख खान की मूवी पसंद है या फिर टॉम क्रूज की मूवी पसंद है नवाजुद्दीन सद सिद्दकी की मूवी पसंद है इसमें कुछ सही एंड गलत नहीं है ना ठीक है पसंद है तो देखो आप ना तो इसमें कोई सही और गलत का इशू इन्वॉल्व है और ना ही शाहरुख खान की मूवी देखने से या फिर टॉम क्रूज की मूवीज देखने से सोसाइटी पर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो इस प्रकार के एटीट्यूड को आप कह सकते हो ए मोरल एटीट्यूड ए मोरल जो एटीट्यूड होते हैं ये न्यूट्रल कंसेप्ट है बट जो मोरल एटीट्यूड का कंसेप्ट है ना वो न्यूट्रल नहीं है मॉरल एटीट्यूड बायस्ड होता है किसके प्रति सही के प्रति प्रति के और जो इमोरल एटीट्यूड होता है वो बायस्ड होता है किसके प्रति प्रति बिल्कुल ठीक सोचा गलत के समझ गए मैं फिर से बोलता हूं मॉरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है नाम में ही मॉरल है मतलब मॉरल एटीट्यूड वो एटीट्यूड जो सही हो मतलब कम से कम इंडिविजुअल के हिसाब से सही हो क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सही और गलत अलग अलग होता है तो ये हमने मॉरल एटीट्यूड के बारे में बेसिक्स डिस्कस किए डिटेल काफी सारे एग्जांपल्स के साथ अब थोड़े फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं मॉरल एटीट्यूड के देखो मॉरल एटीट्यूड स्ट्रोंग होता है मतलब कि जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है आपको क्या पसंद है आप किसके बारे में कैसा सोचते हो मूवी के बारे में कैसा सोचते हो वो एटीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता लेकिन ऐसे इश्यूज जिसमें राइट और रोंग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आप स्ट्रांगली फील करते हो मतलब मॉरल एटीट्यूड रिलेटिवली स्ट्रोंग होता है इट शो हायर कोरिलेशन विद द बिहेवियर इसका मतलब ये है जैसे देखो आपका जो बिहेवियर है वो आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कोई जरूरी नहीं कि आपका जो एटीट्यूड है आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो एटीट्यूड है वो टॉम क्रूज की मूवीज के प्रति पॉजिटिव है बट कोई जरूरी नहीं ना कि आप टॉम क्रूज की मूवीज देखोगे ही भैया मेरी एग्जाम है नहीं देखूंगा मैम मुझे अच्छी लगती है मूवीज देखना टॉम क्रूज की मूवीज लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पेपर है जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा मैं नहीं देखूंगा तो मतलब आपका एटीट्यूड वैसे तो पॉजिटिव है टॉम क्रूज की मूवीज के प्रति लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा ही लेकिन सामान्यता मोरल जो एटीट्यूड होता है वो बिहेवियर में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल आप किसान आंदोलन के पक्ष में हो आपको लगता है किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है तो फिर ज्यादा संभावना है कि आप किसान आंदोलन के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट डालोगे या फिर किसान आंदोलन को ज्वाइन करोगे उसी प्रकार से अगर आपको लगता है किसानों का जो आंदोलन है वो गलत है किसानों को नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए तो फिर हो सकता है कि आप फेसबुक पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फार्म लाज के पक्ष में अपना जो पोस्ट है वो डालो और दूसरे लोगों को भी कहो कि प्रोटेस्ट जो है वो गलत है लाज जो है वो सही है तो सिंपल कहने का मतलब ये है मॉरल एटीट्यूड ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में एज कंपेयरजेंड टू सिंपल एटीट्यूड और उसके बाद नेक्स्ट है इट शोज यूनिवर्सलिज्म इसका मतलब देखो ये है आपका किसी इशू के प्रति जो मॉरल एटीट्यूड होता है आपको लगता है दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो फॉर एग्जाम्पल आपको ये लगता है पब्लिक प्लेसिस में या फिर खुले में कूड़ा फैलाना गलत है तो आप दूसरों को भी बोलोगे आप चाहोगे कि दूसरे भी आपकी तरह ही एक्ट करें और खुले में कूड़ा ना फैलाएं और पब्लिक प्लेसेस में कूड़ा ना फैलाएं तो यूनिवर्सलिज्म का सिंपल मतलब यह होता है कि आपका जो मॉरल एटीट्यूड है आप चाहते हो कि दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो नेक्स्ट इमोशनल कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है मॉरल एटीट्यूड में देखो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं आपको याद होगा कैब मॉडल कोग्नेटिव एफेक्टिव और बिहेवियरल तो यह एफेक्टिव जो कंपोनेंट होता है काफी ज्यादा डोमिनेट करता है मोरल एटीट्यूड में इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के मॉरल एटीट्यूड में इसी की वजह से लिंचिंग हो जाती है लोगों को लगता है मॉरल एटीट्यूड जो है लोगों का उसके अनुसार बीफ खाना गलत है तो इसी वजह से जब कोई बीफ खाने वाला पर्सन मिलता है या फिर जो गाय को ले जाया जाता है तो उस पर इवन लिंचिंग तक हो जाती है क्योंकि लोगों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं मॉरल एटीट्यूड में उसके बाद है इनहरेंट जस्टिफिकेशन मॉरल एटीट्यूड के मामले में देखो जस्टिफिकेशन जो है काफी बार इनहरेंट होती है मतलब लॉजिक वगैरह आप अप्लाई नहीं करते जैसे नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना होता मतलब सही बात है नॉनवेज नहीं खाना होता नवरात्रि के दौरान लेकिन ज्यादातर लोग जानने की भी कोशिश नहीं करते क्यों इनहेरेंट जस्टिफिकेशन है कि हां बस नवरात्रे में नॉनवेज नहीं खाना है बिना किसी जस्टिफिकेशन के अगर नवरात्रे के दौरान कोई नॉनवेज खाता है तो हम इसे गलत मानते हैं उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एक्ट देखो आपका जो मोरल एटीट्यूड है किसी इश्यू के प्रति वो आपको मोटिवेट भी करता है आप को एक्शन लेने के लिए काइंड kind ऑफ of ये वही बात हुई सेकेंड वाला पॉइंट देखिए इट शोज हायर कोरिलेशन बिहेवियर मतलब अगर न्यूक्लियर प्लोफरेशन के अगेंस्ट आपका मॉरल एटीट्यूड है तो कल को कोई रैली निकलेगी न्यूक्लियर पोलिफरेशन के अगेंस्ट या फिर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट आपका एटीट्यूड है मॉरल एटीट्यूड तो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट कल को, को कोई रैली निकलेगी तो संभावना है कि आप एक्शन भी लोगे आप या तो उस रैली में हिस्सा लोगे या फिर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाओगे उस रैली को सपोर्ट करने के लिए तो मतलब मॉरल एटीट्यूड आपको एंकरेज करता है मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए इसके बाद अब देखो ये पॉइंट आता है कि बहुत ज्यादा मॉरल एटीट्यूड होना किसी इशू के बारे में इससे नुकसान भी होते हैं नुकसान क्या होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया देखो मॉरल एटीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है तो मॉरल एटीट्यूड आपका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है किसी इशू पर तो दूसरे पर्सन का भी काफी स्ट्रोंग है दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाएगी ना उसी का तो रिजल्ट है बीफ के ऊपर आपस में लड़ाई होना दंगे होना दूसरे इश्यूज को लेके भी काफी बार दो कम्युनिटीज के बीच काफी ज्यादा फाइट हो जाती है ये इसी का नतीजा है टू मच मोरल एटीट्यूड अगर देखो बहुत ज्यादा मोरल एटीट्यूड होता है विभिन्न इशूज को लेकर बहुत इंटेंसिटी वाला बहुत डेप्थ के साथ मॉरल एटीट्यूड होता है तो लोगों के बीच कोऑपरेशन काफ़ी पुअर होता है सोशल नॉर्म्स पर डिसएग्रीमेंट आ जाता है वैसे तो देखो किसी भी सोसाइटी के लिए सोशल नॉर्म्स सेम से होते हैं सेम मतलब मान लीजिए हमारे समाज में खास करके जैसे गांव में लिव इन रिलेशनशिप को बुरा माना जाता है बट अगर मॉरल एटीट्यूड ज़्यादा हावी होगा तो फिर गांव में ही लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग लोगों की राय जो है वो अलग अलग होगी सोशल नॉर्म्स पे एग्रीमेंट नहीं हो गांव सबसे लास्ट में अगर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल एटीट्यूड या फिर मॉरल कन्विक्शंस हैं तो इससे समाज में इनटॉलरेंस भी बढ़ता है वायलेंस का एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है कैसे फिर से आइए पिछली स्लाइड पर इसमें हमने क्या डिस्कस किया देखो अगर मॉरल एटीट्यूड होता है तो ये इन यूनिवर्सलिज्म शो करता है आपका जो मॉरल एटीट्यूड है आप चाहते हो दूसरों का भी वही एटीट्यूड हो दूसरों का भी वही मॉरल एटीट्यूड हो तो अगर देखो किसी दूसरे पर्सन का दूसरा मॉरल एटीट्यूड है तो फिर इनटॉलरेंस पैदा होगी क्योंकि आपका मॉरल एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सामने वाले का जो मॉरल एटीट्यूड है वो आपसे अलग है तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे इनटॉलरेंस पैदा होती है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है मॉरल एटीट्यूड होता है इंडिविजुअल्स में तो ये कुछ इंप्लीकेशन हमने डिस्कस की बहुत ज्यादा स्ट्रोंग मॉरल एटीट्यूड या फिर स्ट्रोंग मॉरल कन्विक्स होने से अब लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि, कि किसी भी इंडिविजुअल के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी सहायता से वो अपनी जो मॉरल कन्विक्संस है उसको समय समय पर रिन्यू कर सके अगर ज्यादा अच्छी नॉलेज सामने आती है तो फिर ऐसा नहीं कि पुराने मॉरल एटीट्यूड पे बंदा स्टिक है अगर कुछ नई चीज पता लगी है फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट के बारे में यूथनेशिया के बारे में या फिर न्यूक्लियर प्लोरिफ्रेशन के मामले में नई चीजें सामने आई हैं नई थ्योरी सामने आई हैं तो किसी भी इंडिविजुअल को तैयार रहना चाहिए अपनी मॉरल कन्विक्सेंस को अपग्रेड करने के लिए ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया और आप अपना मॉरल एटीट्यूड जो है वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं हो वैसे जैसा हमने डिस्कस किया चूंकि मॉरल एटीट्यूड में इमोशनल कंपोनेंट यानी इफेक्टिव कंपोनेंट काफी ज़्यादा हाई होता है इस वजह से एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं होता मॉरल एटीट्यूड बहुत मुश्किल से चेंज होता है तो इस प्रकार से हमने मॉरल एटीट्यूड के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन